अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप सो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे। आज मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला प्याज मैंने काट ली है और आज ब्रेकफास्ट मैं अपने अम्मी अबू के लिए बनाऊँगा और भाई के लिए। हम लोग बैठ के इंजॉय करेंगे। मैं एक्चुअली पाकिस्तान में हूँ और आज मैंने अपनी वालदा को कहा कि आप बैठें और मैं बनाता हूँ। अब देखते हैं, हम इसको बना के अंडा बना रहा हूँ ऑमलेट, और बिल्कुल सादा सा देसी सा, और इसके बाद में इसको हम सैंडविच में चेंज करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहें, आपको बताता रहूंगा मैं साथ साथ। जी, ऑयल मैंने जो है सॉस पैन में डाल ली है, ठीक है जी। और मैं थोड़ा सा अंडा जो है ना वो डिफरेंट स्टाइल से बनाता हूँ। इसमें यह है कि मैंने मतलब ऑयल गर्म कर लिया। अब इसमें मैंने यहाँ पर ना प्याज और हरी मिर्ची उनको काट के रखा, वो मैं अभी इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, आप जब अंडा फेंटते हैं तो उसी में आप इन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मतलब मैं थोड़ा अपने हिसाब से बनाता हूँ, थोड़ा टेस्ट में फ़र्क होता है थोड़ा सा ना। यहाँ पे मैंने फ्लेम स्लो रखा हुआ है, देखें आप, इसको मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगा, ठीक है। और ऑयल की क्वांटिटी को मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है कि अंडे मेरे पास ज़्यादा हैं। ये मैं 5 अंडों का ऑमलेट बना रहा हूँ। अब इसमें देखें कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ऑनियन के साथ अगर आप ग्रीन चिल्ली को डालते हैं ना ऑयल में तो खुशबू बहुत प्यारी आती है इसमें ना। तो प्याज को थोड़ा सॉफ्ट करना है, इसका पानी को हल्का सब कुछ ड्राई करना है बस। तो उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर टमाटो भी रेडी है, ये टमाटो मैंने रेडी किए हुए हैं, ठीक है जी। तो इनको भी मैं ऐड करूँगा बाद में। देखिए यहाँ पे मैंने टमाटो ऐड कर दिया, हमारे ऑनियन सॉफ्ट हो गए हैं। ये हसबे जायका मैंने थोड़ा सा नमक लिए, ये मैं इस टाइम इस पर जो है डाल रहा हूँ बस। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ थोड़ी सी दरदर मिर्च, तो इसके साथ में थोड़ा सा नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा एक्चुअली मुझे यहाँ थोड़ा नमक का आइडिया नहीं है, ज़्यादा तेज़ ना हो जाए तो इसलिए मैं नमक कम डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये देखें, इसमें काली मिर्च भी है, इसमें ज़ीरा भी है, ठीक है जी। यहाँ पे ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मैं ये हल्दी ऐड कर रहा हूँ, हल्दी मैं थोड़ी ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझे हल्दी पसंद है, खानी भी चाहिए, खाने में ज़्यादा खानी चाहिए, अच्छी होती है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये यहाँ की प्योर ये रेड चिल्ली है, यहाँ पे मैं भी थोड़ी ऐड कर रहा हूँ ये भी, ठीक है, क्यों हमारे पास दरदर भी है ना। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज्वाइन डाल रहा हूँ, थोड़ी सी बस, जस्ट टेस्ट के लिए, एक टेस्ट के लिए डाल रहा हूँ बस, ये देखिए थोड़ी सी, बिल्कुल। अब ये जो जितने भी स्पाइस है ना ये सारे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी, सारे स्पाइस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब देखिएगा ये चीज़ें मैं उठा लूँ कैसे? जी जी, हमें जी उठा लें, आप यहाँ से उठा लें बस, हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं तो बाद में डाल लेंगे आप। देखिए यहाँ पे ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है रेडिश, यहाँ पे आज मैंने सिर्फ इसमें काली मिर्च थोड़ी सी ऐड की है, वो भी साबुत, बाकी मैंने दरदर और रेड चिल्ली यूज़ की है मैंने। तो देखिए बड़ा प्यारा सा कलर है हमारा, ऑलमोस्ट यहाँ पे मसाला तकरीबन रेडी है। अब इसमें अंडे ऐड करूँगा बस, ठीक है जाने। यहाँ पे इसमें मैं दूध ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा डाल दूँ थोड़ा सा बस, बस बस, चलो। यहाँ पे इसमें मैं अंडा ऐड कर रहा हूँ, जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा तकरीबन नहीं, हमारा ऑमलेट आप देख सकते हैं रेडी है, बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत आला बना है, क्या ही टेस्ट है माशाल्लाह, देखने में भी आपको पता चल रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा मैंने ड्राई नहीं किया, थोड़ा सा इसको मैंने जूसी रखा है, क्यों मैंने इसके सैंडविच बनाने हैं, तो जब सैंडविच मेकर में भी जाएगा तो वहाँ पर भी ड्राई होगा।
जी सैंडविच मैंने मतलब स्लाइस में अंडा लगा के रेडी कर दिया। यहाँ पे मैंने देसी घी की टॉपिंग की है थोड़ी थोड़ी सी, क्यों ऑयल मैंने लगाना नहीं है, तो दूसरा घी हमारे घर में होता नहीं है तो मैंने देसी घी लगाया है। और यहाँ पे ओवन जो है ये हमारा सैंडविच मेकर रेडी है, ठीक है जी। ये मैंने इसे बंद कर दिया, ये मैंने इसको ऑन कर दिया, और आप इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा टाइम लेगा, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त मशीन है ये। लें जी हमारे सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रहा, एक्चुअली लाइट खुद ही बंद होती है लेकिन मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रहा, तो क्योंकि मम्मी अब्बू को पसंद नहीं है, मैंने इसे लाइट लाइट सा रखा है। देख सकते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने हैं, आला किस्म के, ठीक है जी। और मैं इन्हें यहाँ से ऐसे चम्मच से उठाऊँगा, ठीक है जी। ये हमारे आपको ये इसकी ये देखेंगे, ये स्ट्रेट साइज है, वो बैक वाली है।